हाई गाइज़, आई एम भारती एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, तो मैंने सोचा कि अभी रिसेंटली मैं चांदनी चौक गई थी कुछ शॉपिंग के लिए, बिकॉज वेडिंग सीज़न चल रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ ज्वेलरी और साड़ीज़ वगैरह की मैं शॉपिंग करूँ, तो मैं रिसेंटली चांदनी चौक गई थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वॉट आई गॉट, लाइक कैसा कलेक्शन वहाँ आया हुआ है और क्या क्या आपको कैसे प्राइजेस पर मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं कुछ ज्वेलरी परचेज तो मैंने कुछ वहाँ से ज्वेलरी परचेज की थी, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और जस्ट फॉर के लाइक आपको पता चल सके कि क्या आया हुआ है वहाँ पर, क्या ट्रेंड में है, इस तरीके से, ताकि आप मतलब देख के ले सको। सो फर्स्ट थिंग, आई गॉट दिस नेक पीस, और ये डायमंड्स में है, लाइक इन्हें अमेरिकन डायमंड्स कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सुंदर लगते हैं और बहुत कम प्राइजेस पे मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइक, अगर आप इसी टाइप की ज्वेलरी किसी बड़े शोरूम वगैरह से लेते हो तो आपको बहुत कॉस्टली मिलती है, एंड वहाँ पर चांदनी चौक या सदर वगैरह से आप लेते हो तो आपको बहुत अच्छे प्राइजेस पर मिल जाती है, बिकॉज ये होल सेल मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब बल्क में यहाँ पर सामान होता है, इसलिए आपको काफ़ी कम प्राइजेस पर मिल जाएंगी। एंड तो मैंने ये लिया था, ये डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन इसका कलर है, एमरल्ड ग्रीन आई थिंक इसे बोलते हैं, और ये कलर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, ज्वेलरीज में भी, क्लोथिंग आइटम्स में भी, बहुत सारी चीज़ों में मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। सो आई गॉट दिस वन, एंड काफ़ी मतलब सिंपल सा है और बहुत ही प्रिटी है, लाइक अगर आप इसके साथ कोई बहुत सिंपल भी आउटफिट वेयर करते हो ना, तो ये उसको बहुत अच्छे से एनहेंस कर देगा। और मुझे ऐसी सिंपल ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है, अकॉर्डिंग टू बहुत हैवी वंस आई लाइक दिस काइंड ऑफ ज्वेलरीज। और इसके साथ बहुत छोटे छोटे से बहुत क्यूट से इयररिंग्स भी आए हैं, ये हैं इसके इयररिंग्स, और इयररिंग्स तो काफ़ी छोटे हैं बट अकॉर्डिंग टू नेक पीस अच्छे हैं। वो उन्होंने 400 मुझे कोट किया था, बट आफ्टर बार्गेनिंग, एक्चुअली वो वहाँ पर काफ़ी बार्गेनिंग नहीं होती है, मैंने किनारी बाज़ार से लिया है और बहुत बोलने के बाद उन्होंने मुझे 50 rupees लेस करके 350 rupees में ये मुझे दिया है, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये बहुत सुंदर है, और 350 में तो आपको किसी भी बड़े शोरूम पर डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और आप चाहें तो वहाँ जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वन। और एक और मैंने ज्वेलरी पीस परचेज किया है, वो भी इसी कलर का है बट वो डिफरेंट है थोड़ा, वो थोड़ा हैवी है, दिस वन, और ये बहुत ही रॉयल सी लुक देता है, लाइक अगर आप किसी सिंपल कपड़ों पे भी पहनोगे, किसी सॉलिड कलर पे अगर आप वेयर करते हो तो ये बहुत उसे एनहेंस कर देगा, लाइक किसी वाइट कुर्ती पे और किसी ब्लैक कुर्ती पे और कुछ भी हो, लाइक बहुत कोई पेस्टल से कलर पे अगर आप इसे वेयर करोगे तो बहुत सुंदर सा लुक देगा और काफ़ी रॉयल है। और ये सारा जो है कुंदन का वर्क है, और कुंदन वर्क इतना सस्ता नहीं मिलता, अगर आपको पता होगा तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, और शोरूम्स वगैरह पे तो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका बहुत अच्छा कुंदन वर्क है, काफ़ी मतलब ऐसा कि निकलने नहीं वाला है, ये काफ़ी अच्छे से हुआ हुआ है, और इसमें नीचे ये पर्ल्स की डिटेलिंग है और ऊपर पूरा ये ग्रीन कलर का मोतियों की चेन है, तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा पहनने के बाद, कुछ इस तरीके की लुक देगा, एंड बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। और इसमें और भी कलर्स थे उनके पास, रेड था, ब्लू था, और सिंपल जो वाइट कलर होता है वो था उनके पास, बट मुझे ये कलर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया, और आजकल ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है ये एमरल्ड ग्रीन कलर, सो मेरा दिल सिर्फ इसी के लिए था कि मैं ये वाला लूँ। और इसके साथ इयररिंग्स भी आए हैं, इयररिंग्स भी इसके बहुत सुंदर हैं, छोटू से, क्यूट से, उन पे भी कुंदन का ही वर्क है, ये इसके इयररिंग्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और कुंदन का वर्क बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सस्ता सा लोकल टाइप का लुक दे रहा है, काफ़ी रॉयल लुक दे रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव सा, और ये इसके इयररिंग्स हैं।
एंड ये वाला जो नेक पीस है वो उन्होंने कोट किया था 500 रुपीज़ समथिंग, बट वो बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने को तैयार ही नहीं था शॉपकीपर, और दो नेक पीस लेने के बाद उन्होंने मुझे दोनों में 50-50 लेस किया, तो ये मुझे 450 का मिला है. बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स अ वर्थ, बिकॉज ऐसा आपको कहीं पर भी इतने सस्ते में नहीं मिलेगा, जस्ट 450 रुपीज़. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. एक ये मैंने सिल्क का दुपट्टा लिया था किनारी बाजार से ही, वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं बट सभी पर आपको सेम ही प्राइजेस मिलेंगे, सेम टाइप के दुपट्टाज मिलेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं होता. तो मैंने ये लिया था एक दुपट्टा, और मुझे बहुत टाइम से एक सिल्क का दुपट्टा लेना था, बट मैं नहीं समझ पाई थी कि मैं कौन सा कलर लूँ, बिकॉज बहुत सारे कलर्स अच्छे लगते हैं सिल्क के दुपट्टों में. रेड अच्छा लगता है, येलो अच्छा लगता है, मजेंटा पिंक बहुत अच्छा लगता है. तो मेरा जो फाइनली मैंने बहुत सारे ट्राई किए, मैं अभी आपको नीचे आपको क्लिप में दिख जाएगा कि मैंने बहुत सारे ट्राई करके देखे और आई वॉज सो कन्फ्यूज कि यार सारे अच्छे लग रहे हैं, मैं कौन सा लूँ. बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस सारे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये सिंगल दुपट्टा मुझे 800 रुपीज़ में मिला है, बिकॉज ये सिल्क के दुपट्टे काफ़ी कॉस्टली आते हैं. अगर आप किसी शॉप वगैरह से या कहीं और से लेंगे, किसी और मार्केट से, तो मुझे लगता है ये 1000 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा, बट वहाँ पर मुझे 800 का मिला है. और वहाँ पर 1200-1500 तक 2000 रुपीज़ तक उनके पास दुपट्टे थे, और सिल्क के दुपट्टे काफ़ी रॉयल लगते हैं, बहुत अच्छा लुक देते हैं, आपके किसी भी आउटफिट को बिल्कुल डिफरेंट लुक दे देते हैं ये. सो दैट्स वाई मुझे बहुत टाइम से लेना था एक सिल्क का दुपट्टा, और फाइनली मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया. और कलर भी ऐसा है कि मैं बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के साथ इसे मिक्स एंड मैच करके वेयर कर सकती हूँ, और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है. आई थिंक 2.5 मीटर की इसकी लेंथ होगी, एंड 800 इसका प्राइस है. सो या दैट्स इट फॉर दिस दुपट्टा. नेक्स्ट थिंग एक और दुपट्टा है जो कि मैंने वहीं उसी शॉप से लिया था, सेम शॉप से, और इनके फिक्स प्राइजेस थे, ये कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे. आई थिंक मुझे लगता है चांदनी चौक में किनारी बाजार में बार्गेनिंग होती ही नहीं है, वो जितना कोट करते हैं उतने में ही देते हैं हर चीज़, साड़ीज़ हों, सूट्स हों, दुपट्टे हों, ज्वेलरी हो. और एक ये वाला थ्रेड येलो एंड बेज कलर का इसका कॉम्बिनेशन है, एंड ये मैंने लिया है लाइक डेली वेयर के लिए, और जैसे कि आपकी कोई सिंपल सी कुर्ती है उस पर डालने के लिए, और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है. एंड ये मुझे मिल गया ओनली 200 रुपीज़ का. यस हाँ, ये ओनली 200 रुपीज़ का था, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत अच्छी है और इसकी विड्थ भी बहुत अच्छी है. एंड कलर में इसमें बहुत सारे कलर्स थे, आपको बहुत सारे कलर्स और पैटर्न मिल जाएंगे, बट दैट वॉज सो कन्फ्यूजिंग, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे कलर्स और पैटर्न्स होते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है. तो आप अपना कोई सूट वगैरह है तो साथ लेके जाओ, ताकि आप चेक करके ले सको कि कौन सा उसके साथ अच्छा लगेगा. सो या दिस इज़ फॉर दुपट्टा. मैंने दो ज्वेलरी पीस और दो दुपट्टा एंड दो साड़ीज परचेज की थी. अब वी मूव ऑन टू साड़ीज. सबसे फर्स्ट एक ये साड़ी है, ये मजेंटा पिंक कलर की साड़ी है, पता नहीं क्यों बट मेरे इस हॉल में सबसे ज़्यादा आपको मजेंटा पिंक दिखेगा. और ये मैंने मजेंटा पिंक कलर की साड़ी ली है. एक्चुअली ऐसी ही सेम साड़ी मैंने पहले भी ली थी, तो वो मेरी मॉम को बहुत पसंद आई थी तो मैंने उन्हें दे दी, और मैं अपने लिए ये न्यू लेकर आई हूँ. और ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. सिल्क, बनारसी सिल्क इसको कहते हैं, बट ये प्योर बनारसी सिल्क नहीं है. बनारसी सिल्क परचेज करते हो तो आपको 5-8,000 मिलेगी आराम से चांदनी चौक से अगर आप लेते हो, बट ये बनारसी सिल्क नहीं है, ये थोड़ा चंदेरी सिल्क टाइप का है मटेरियल इसका, और नीचे ऐसा बॉर्डर है इस पर, बहुत सुंदर लग रही है ये वेयर करने की. 1600 की साड़ी मुझे मिली, बट 1600 में दैट वॉज अ स्टील परचेज, बिकॉज साड़ी को पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती है साड़ी. लाइक 1600 की साड़ी है, आराम से 3-4,000 वाला तो आराम से लुक देती है साड़ी. एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो भी एक साड़ी है, वो भी सिल्क में ही है, बट इसका थोड़ा डिफरेंट सिल्क है. इसका बॉर्डर मजेंटा पिंक है, पूरी साड़ी ये पर्पल कलर की है, बट ये साड़ी मैंने अपने लिए नहीं ली है, मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए ली है. फैमिली में किसी की वेडिंग है तो मैं किसी ब्राइड को गिफ्ट करूँ तो मैं उस ब्राइड को गिफ्ट करूँगी ये.
और बहुत सुंदर सी साड़ी है, और न्यूली वेड्स पर तो ऐसी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। और अगेन मजेंटा पिंक, बट इसका मजेंटा पिंक बॉर्डर है, बट ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। एंड ये साड़ी अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत अच्छी लगी थी। इसका जो प्राइस है शॉपकीपर ने कोट किया था 1400 समथिंग आसपास, बट उन्होंने बार्गेनिंग करने के बाद 1200 की दी है ये साड़ी। बट 1200 में बहुत अच्छी साड़ी है, बिकॉज इसका जो बॉर्डर है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रॉयल सी लुक देता है। एज यू कैन सी वर्क कितना ज़्यादा अच्छा है इसका, और बहुत सुंदर है ये, कलर भी बहुत मुझे अच्छा लगा, बट इसका बॉर्डर बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका ब्लाउज भी मजेंटा पिंक कलर का है अंदर, तब मैंने ये साड़ी ली है और बहुत अच्छी थी। और शॉपकीपर ज़्यादा मतलब डिस्काउंट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, बट वेडिंग सीज़न चल रहा है क्योंकि, और काफ़ी मतलब उनको लगता है कि कस्टमर लेंगे सामान तो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अदरवाइज़ जिस शॉप से मैंने परचेज़ किया वो बहुत ज़्यादा बार्गेन, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करते हैं प्राइजेस को। यही सब मैंने शॉप किया था चांदनी चौक से, और चांदनी चौक में बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है इस टाइम पे साड़ीज़ का, सूट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा। आपको लेटेस्ट स्टाइल की साड़ीज़ मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप एक बार विजिट करके देखो चांदनी चौक। अगर आपके घर में भी कोई वेडिंग वगैरह है, या आपको कुछ वेडिंग के लिए शॉपिंग वगैरह करनी है, या आपकी खुद की भी वेडिंग है, तो आप एक बार जाकर वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चीज़ें बहुत अच्छे प्राइजेस पर, बहुत लेटेस्ट ट्रेंड आपको वहाँ मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, यही सब था आपको शो करने के लिए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो यू विल नेवर मिस आउट माई एनी वीडियो। एंड टिल देन टेक केयर एंड